हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो बेंगलुरु में है अपना तीसरा दिन। तो तीसरा दिन का प्लान कुछ ऐसा है कि आज शाम को अपने को निकलना है अपने सिटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए। तो आज जो कुछ भी हो पाता है वो दिखाएंगे भाई। थोड़ा सा ट्रेन जर्नी, अगर सीट कंफर्म हुआ तो ट्रेन जर्नी, अगर कंफर्म नहीं हुआ तो बस जर्नी, वो तो आपको दिख ही जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। नाश्ता मैं खा चुका हूँ अभी जाके उधर, वीडियो में मोबाइल चार्ज नहीं था तो अंदर ही रख के गया था घर पे चार्ज लगा के, तो वीडियो नहीं कर पाया भाई। तो अब दिखाएंगे आपको जो कुछ भी खाते, जो कुछ भी सीन होता है दिखाएंगे। और अपने सुंदर परिया अंदर बैठते हुए भाई भाई नाम क्या रखेंगे भाई इसका, सोनू अंदर कहीं को जा रही है भाई, बाहर आ भाई। सो गाइस सच बोलूं तो अपना जो ट्रेन है वो 7 बजे है, और अगर ट्रेन का टिकट कंफर्म भी नहीं होता है तो बस का एक टिकट बुक करना पड़ेगा। तो कैसा भी थोड़ा सा लेट है, अभी 5-6 घंटे तो अपने पास है भाई। तो बाहर जाने का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, देखेंगे एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं। गाड़ी लेके निकलूँ तो थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, अगर मेट्रो से जाऊँ तो पूरा कनेक्टेड नहीं है, उधर जाके फिर ओला उबर रैपिडो कुछ तो लेना पड़ेगा भाई। तो देखेंगे क्या क्या होता है, आपको तो वीडियो में दिख जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा मैं खाना पार्सल लेके आने के लिए आया था, भैया घर में काम कर रहे तो अपन ने सोचा कि चले जाके आते हैं थोड़ा मार्केट में, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और पार्सल लेके आने का भी हो जाएगा। तो चलो अब चलते हैं सीधा घर को। गैस अपने साथ हो चुका है कान, ट्रेन का जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुआ है तो वो ऑप्शन बचा नहीं था तो बस बुक कर दिया हैदराबाद का। तो अब आपको दिखाएंगे बस का जर्नी, 700 किलोमीटर्स इन द बस। चलिए दोस्तों सफ़र शुरू करते हैं। गैस अपना बैग रेडी है और हम हैं मेट्रो में, तो अब जाना है केम्पेगौड़ा बस स्टैंड, उधर अपना है बस, तो जाएंगे भाई जल्दी। बस रिफ्लेक्शन दिख रहा है भाई। इस अंदर बस में खाने के लिए कुछ तो चखना लेते हैं क्या है क्या है। टाइम पास के लिए ये ले लिया है मैंने। चलिए भाई अब निकलते हैं, 7 घंटा का जर्नी है। सो गाइस मैं बस में बैठ चुका हूँ, हैदराबाद क्लब प्लस है बस, तो है तो मस्त एसी ऑन कर चुका हूँ तो मस्त तरीके से सो के जाएंगे भाई। भाई अपने को एक कंबल मिला है तो एकदम जो सर्विस है वो बहुत अच्छा है भाई, और बस भी अल्टीमेट है, वोल्वो बस है कैसे भी अल्टीमेट ही होगा। क्या ही दिखाऊं भाई बस। चलो भाई थोड़ा सा भूख लग रहा है, लाइट लाइट एक दो खाते हैं। देखो भाई ट्रैफिक, देखो भाई बेंगलोर की, शीशा साफ करना था यार, मैं क्या करूं भाई साफ, बस वाले को करना चाहिए था भाई अपनी आँख। क्या क्या चूतियाबा कर रहा हूँ मुझे खुद को मालूम नहीं हो रहा भाई। भाई देखो भाई फर्जी प्राइम वीडियो पे स्पॉन्सर, अभी स्पॉन्सरशिप आने है जितना लायक नहीं है अपना चैनल। गाइस तो पहला स्टॉप आ चुका है अपना बस का, तो इधर रॉयल हैदराबादी रेस्टोरेंट बोल के अच्छा दिख रहा है, तो इधर रुके हैं, मैं खा लिया भाई अभी, तो अब चुप ऐसे वॉक कर रहा हूँ, बैठ बैठ के थोड़ा सा बस हो गया था, तब
देखेंगे भाई, अब बीदर जाते जाते तो कैसे भी 7-8 घंटे तो लग जाएंगे। वाया हैदराबाद से जाएगा ये जो बस है, वाया हैदराबाद से जाएगा, तो 2 मेजर कैपिटल को टच होके फिर बीदर आएगा भाई। तो सफ़र जारी रखते हैं, दिखाते हैं आपको जो कुछ भी हो पाता है भाई। और ये है अपना बस। अभी तक तो सफ़र एकदम लग्जरी और एकदम ख़तरनाक था भाई। कंफर्ट तो अल्टीमेट है इसका, और एसी भी मस्त है, मतलब सेपरेट एसी मिल जाएगा ऊपर, जिसकी वजह से कन्वीनियंट होता है, जब चाहिए तब उसको ऑन कर लो, जब चाहिए तब उसको ऑफ कर लो। तो आपके हिसाब से है भाई। एक है इधर मेरे रॉयल हैदराबादी, और इधर छोटा सा रोल्स जो कुछ भी वो मिल जाएगा। मैं तो इधर खा लिया भाई, कुछ नहीं, मैं लाइट खाया हूँ और रवा इडली खाया था नाइट में, चुप लाइट। तो एकदम खतरनाक वाइब है भाई। गाइस चुप रात में मुंह में चखने के लिए, क्या बताऊं भाई, इतना कंफर्टेबल बस से फिर भी नींद नहीं आ रहा ना कि। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ हैदराबाद में, तो बज चुका है 5:30, बस 5:30 बज चुका है, हैदराबाद में हूँ। तो बीदर अभी 1-2 घंटा दूरी पे है, तो चलिए जाते हैं अब। चाय चाय